है जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। आपको बता दें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को पेश करेंगे। वहीं बजट को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, सरकार ने अपनी कमर कस ली है। हम आपको बता दें 3,65,000 करोड़ का यह बजट पेश किया जाएगा और अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम आपको यह भी बता दें सदन में तीसरे दिन भी हंगामा किया जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। आपको बता दें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को पेश करेंगे और बजट को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हम आपको बता दें बीते दो दिन बीत चुके हैं बजट के सत्र को लेकर। वही यह भी बता दें कि 3,65,000 करोड़ का होगा यह बजट। वही अधोसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और सदन में तीसरे दिन भी हंगामा हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें विदेश मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को पेश करेंगे बाकी दिनों की तरह। और वही बजट को लेकर सरकार की पूरी तैयारी पहले भी देखने को मिल रही है और आज भी देखने को मिलेगी कि बजट को लेकर सरकार की तैयारी कैसी है। हम आपको बता दें 3,65,000 करोड़ का यह बजट पेश किया जाएगा और अधोसंरचना विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां सदन में तीसरे दिन भी हंगामा हो सकता है। हम आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ये बड़ी खबर हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।